लखनऊ में ईडी ने गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा है। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। विकास दुबे के करीबियों के नाम पर कुल 28 संपत्तियों को जब्त किया गया है। संगठित अपराध, भूमाफिया, भ्रष्टाचार में ये सभी शामिल पाए गए हैं। तो विकास दुबे के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हुआ है। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। विकास दुबे के करीबियों के नाम पर कुल 28 संपत्तियों को जब्त किया गया। 10 करोड़ की तकरीबन संपत्तियां बताई गई हैं। संगठित अपराध, भूमाफिया, भ्रष्टाचार में शामिल ये सभी बताए गए हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल काम रुक कर लेते हैं। विशाल, विकास दुबे के करीबियों पर कार्रवाई की गई है, सख्त कार्रवाई यहां पर हुई है, क्या जानकारी और? देखिए बिल्कुल, विकास दुबे के जो तमाम संबंधी थे, उसके रिश्तेदार जो थे और उसकी जो संपत्तियां थी, उन सभी संपत्तियों को फिलहाल ईडी ने जब्त कर दिया है और करीब 10 करोड़ के ऊपर की संपत्ति जो है ये बताई जा रही है। ईडी ने चूंकि तमाम जो बैंक्स का जो ट्रांजैक्शन है उसको आधार बनाया है और उसी के आधार पर ये तमाम जो संपत्तियाँ हैं लखनऊ और कानपुर में, इनको जब्त किया गया है। करीब 10 करोड़ से ऊपर की ये पूरी संपत्ति जब्त की गई है। इससे पहले ईडी ने चूंकि तमाम तरह की जाँचें की थी, तमाम बैंक अकाउंट्स किए थे और उन्हीं बैंक अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शन थे उनके बारे में जानकारी जब इकट्ठा की, तो उसके बाद विकास दुबे की जो प्रॉपर्टी थी और जो उसके रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी थी, उन सभी को आज जो ईडी ने जो है जब्त कर लिया है। और ईडी ने इस विषय में तमाम जो प्रॉपर्टीज की और जो डिटेल है उनके बारे में भी जांच करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी अभी और भी जो जांच है में ये सब पाएगी प्रॉपर्टीज, उनको भी जब्त करेगी। तो फिलहाल इन सब तमाम संपत्तियों के जो मालिक हैं उन सभी के खिलाफ ईडी ने पहले मुकदमा दर्ज कर रखा था और उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है।